हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट जो हम होम लोन पर पे करते हैं या एचआरए जो हम पे करते हैं, इसके बारे में कितनी हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है और क्या ये दोनों डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में, क्या हमें दोनों बेनिफिट मिल सकते हैं। आज बस यही कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम दिव्यांशु सेंगर है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो तो मिलती ही है। प्लस आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेशनल कोर्स भी मिल रहा है जीएसटी का, जिसमें मैं सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ समरी चार्ट के थ्रू। तो जाके आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और बहुत काम आएंगी आपको ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले एचआरए के बेनिफिट देखते हैं, हमें एचआरए में कितनी मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो भाई एचआरए में तीन सिनेरियो दे रखे हैं, इन तीनों में जो भी लोएस्ट वैल्यू आएगी वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा आपके इनकम टैक्स से। मतलब आपको जो एचआरए रिसीव हो रहा है, जो एम्प्लॉय को एचआरए रिसीव हो रहा है एम्प्लॉयर से, वो या फिर जो सैलरी रिसीव हो रही है उसका 50% पोर्शन। तो मान लीजिए आपकी सैलरी है, मतलब बेसिक वगैरह आपकी 50,000 रुपीज, तो 25,000 रुपीज मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। ये मेट्रो सिटीज की बात है। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में है तो 40% हो जाती है, मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो में 50% एंड 40% रहेगी। एंड थर्ड सिनेरियो है एक्चुअल रेंट आप जो पे कर रहे हैं। मान लीजिए एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं 20,000 रुपीज, उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी किसे मानेंगे, बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन को। मान लीजिए बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन आपका आता है 10,000 रुपए, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपए। आपने मान लीजिए रेंट पे किया 5,000 रुपए, तो एक्चुअल रेंट 5,000 माइनस ये सैलरी का 10% 1,000 रुपीज, तो 4,000 रुपए की आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। तो इन तीनों में जो भी लोएस्ट फिगर आएगी उसे एग्जेम्प्ट मानेंगे, उसके अलावा आपका एचआरए अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट होम लोन पर कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपने होम लोन लिया है तो एटीसी में आप क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज जो भी आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी प्रिंसिपल रिपेमेंट की, और आपने इंटरेस्ट भी साथ में पे किया होगा। होम लोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलना नहीं है, तो इंटरेस्ट आपका पोर्शन मिल जाएगा बेनिफिट 2 लाख रुपए तक, ये आप क्लेम कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो मैक्सिमम 2 लाख तक का लॉस आप दिखा सकते हैं एज इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है होम लोन पे जो हाउस प्रॉपर्टी पर आपने लिया है। तो टोटल मैक्सिमम आपकी जो बेनिफिट हो सकता है वो 3.5 लाख रुपीज का हो सकता है, 1.5 लाख रुपए एटीसी में प्रिंसिपल अमाउंट का और 2 लाख रुपए इनकैश जो आप पे कर रहे हैं वो अंडर सेक्शन 24 B आप हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिखा सकते हैं। अगर आपका यही घर ज्वाइंट नेम में है तो सेपरेट बेनिफिट 3.5 3.5 लाख का क्लेम कर सकते हैं अगर दो लोगों के नाम में, मतलब फिर सेपरेटली आपकी लिमिट कंसीडर की जाएंगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं इन दोनों को हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। तो वो कहीं पर भी मना तो नहीं है, लेकिन कुछ सिनेरियो में स्क्रूटनी जरूर आ सकती है, आपसे इंक्वायरी हो सकती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप पर प्रॉपर रीजन होने चाहिए। तो कुछ रीजन से कुछ सिनेरियो इस तरीके से हो सकते हैं कि आपकी जॉब मान लीजिए दूसरी सिटी में और हाउस प्रॉपर्टी जिस पर आपने लोन ले रखा है वो किसी और सिटी में है। जैसे अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में, लेकिन अब आपकी जॉब लग गई है कानपुर में, तो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी पे अगर आप इंटरेस्ट पे करें तो आप इंटरेस्ट पे बिल्कुल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं उसको। और जो कानपुर में आप रेंट पे कर रहे होंगे उसका एचआरए क्लेम कर सकते हैं। अब दोनों सिटी में आप अप डाउन तो कर नहीं सकते, तो सेपरेट सिटी है तो प्रॉपर ये रीजन है, आप दोनों एक्सपेंस या दोनों डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। कुछ रीजन और भी हो सकते हैं, जैसे आपने होम लोन लिया था जब, तो वो लिया था अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है कंप्लीट नहीं हुई है, तो जितना पीरियड आपका अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा तब तक तो आप रेंट पे करेंगे कहीं और रहे होंगे, तो उस केस में भी आप दोनों चीजों का क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा आप अंडर जितना भी प्रीवियस इंटरेस्ट था वो आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे 5 पीरियड में, अगर सेम ईयर में कंप्लीट हुआ है तो सेम ईयर में भी क्लेम कर सकते हैं। तो इन केसेस में भी एचआरए और इंटरेस्ट दोनों चीज क्लेम कर सकते हैं। तीसरा केस हो सकता है कि मान लीजिए आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है जो आपने घर लिया है, मान लीजिए घर छोटा है आपको बड़ा घर चाहिए, तो आपने वो छोटा वाला घर जो आपने खुद खरीद रखा था जिस पर लोन ले रखा था उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे आपने दे दिया रेंट पे, और दूसरा घर ले लिया रेंट पे,
तो रेंटल इनकम हो रही है आपकी एक कैब जिस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट को, बिल्कुल कर सकते हैं। और एचआरए दूसरी तरफ क्लेम कर सकते हैं जहां का आप रेंट पे कर रहे हैं। मतलब आप प्रॉपरली अगर काम कर रहे हैं तो ये दोनों चीज कर सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि स्क्रूटनी में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप दोनों चीजें क्लेम करेंगे एचआरए और इंटरेस्ट, तो स्क्रूटनी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट रखना है, जैसे लीज डीट आपकी हो गई, जो आपकी रेंट रिसिप्ट है, ये सारी चीजें आप पर अगर प्रॉपर है, प्लस इंटरेस्ट के भी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और दोनों चीजें क्लेम कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको लाइक करने में कंजूसी मत करना, शेयर करने में कंजूसी मत करना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखने के लिए धन्यवाद।